हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज मी एना हियर। तो गाइस, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आई एम हियर इन हैवलॉक आइलैंड इन अंडमान, और मेरा डे वन है अंडमान में। मैंने रिकॉर्ड किया है डे वन का आधा वीडियो, वो पिछले वाले पार्ट में है। तो ये वाला पार्ट मैंने इसीलिए अलग किया क्योंकि मैं अंडमान में ये हैवलॉक आइलैंड पे मैं गांव में जाने वाली हूँ। यहाँ पर जो यहाँ के जनजातियाँ, यहाँ पे जो गांव में लोग रहते हैं, वो लोग कैसा लाइफ जीते हैं और वो लोग कैसे घर है, उन लोग का लाइफ स्टाइल क्या है, वो मुझे बहुत जानने का इच्छा था। तो इसीलिए मैंने मेरा जो आइटनरी प्लान हुआ है उसमें मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि मुझे गाँव का टूर भी करना है करके। तो पीछे देख रहे हो, वो मेरा गाइड है, ही इज़ माई गाइड। उसका नाम है मीटू। ही इज़ गोइंग टू टेक मी अराउंड इन द विलेजेस। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं काला पत्थर विलेज। काला पत्थर बीच भी है, पिछले वाले वीडियो में दिखाया था, हम उसको क्रॉस करेंगे, आप लोगों को जरूर दिखाऊंगे। तो बने रहिए वीडियो में। इट इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अंडमान में यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, आइलैंड पे एक गांव लोग कैसे होते हैं, लोग यहाँ पर खुश है कि नहीं, कैसा है जिंदगी यहाँ पर जानते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अंडमान इंडियन टेरिटरी है, लेकिन यहाँ पे लाइफस्टाइल कैसा है वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानने का मन होता है। मेनलैंड इंडिया में तो ऑब्वियसली हम लोगों को पता हम लोग कैसे रहता है, लेकिन यहाँ पर इट्स सो फार अवे आइलैंड है। और आप लोग में से किसी को आप लोग में से तो कितने लोग होगा कि कभी आया भी नहीं यहाँ पर। और इंडिया मैप देख के देखिए, बहुत दूर पे है आइलैंड जो है, तो इसीलिए इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग टू नो। सो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने अभी बहुत सिंपल कपड़ा पहना बिकॉज यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा सन टैन हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा टैन से बचने के लिए मैंने प्लेन शर्ट बांध लिया है यहाँ पर और पजामा पहन लिया है जो कि मैंने नॉर्थ बे आइलैंड से खरीदा था। तो चलिए अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो मीटू, कौन से गांव जा रहे हैं हम लोग आज? अभी आप लोग अभी आप काला पत्थर गांव जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद दो तीन विलेज रहेगा। हाँ। तो होने के बाद फिर आप जट्टी आर्बर तक जाएंगे, उधर पे एक दो विलेज रहेगा होने। हाँ। के बाद फिर रूम आने के बाद अब फ्रेश होने के बाद फिर जब राधानगर बीच जाएंगे सनसेट के लिए। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग जितना भी विलेज है पूरा विलेज टूर करने के बाद राधानगर बीच में सनसेट भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए हम अपना जर्नी शुरू कर दिया। ये देख सकते हो यहाँ पर छोटा छोटा घर दिख रहा है, बैम्बू घर। इतना ऐसा लग रहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट में ही कहीं आसाम में है ऐसे लग रहा है, क्योंकि हमारे एरिया पे भी वहाँ पर ऐसे ही होता है घर लोग। ये गांव है, मतलब जो इधर पर जा रहे गांव का इतने फीलिंग्स आएगा क्योंकि हाँ। मेन आपका गाँव ही है। अच्छा, थोड़ा आसाम वाला जैसा दिखेगा, बहुत सिंपल है ऐसे ही है। ये देखिए छोटा छोटा घर है, आगे चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर धान की खेत भी देखने को मिल रहा है। पोर्ट ब्लेयर साइड में धान की खेती बहुत कम देखने को मिला, इस साइड में लगता है कि थोड़ा ज्यादा खेती बाड़ी होता है। नया बस्ती में अब जा रहे हैं, जाएंगे ठीक है, नया बस्ती है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से दो साइड है, अभी हम नया बस्ती जा रहे हैं पहले, और पुराना बस्ती जा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से नया बस्ती है, तो हम पुराना बस्ती जाएंगे, ओल्ड विलेज। चलिए धान खेती ज्यादा होता है, अभी तो बहुत ज्यादा धान राइस पैडी बहुत देखने मिला। पोर्ट ब्लेयर में भी अंदर अंदर गांव पे होगा, लेकिन मेन पोर्ट ब्लेयर में तो नहीं था धान खेती। मुझे लगता है कि यहाँ पर ज्यादा फार्मिंग होता है कंपेयर टू पोर्ट ब्लेयर। ये देखिए यहाँ पर ये इतना सारा सब्जी लगाया है, छोटे छोटे कह रहे यहाँ पे तक कोना पे भी है बैंगन का सब्जी। ये देखिए ये जितना साइड साइड में देख रहा है सब बैंगन का सब्जी। और यहाँ पर ये सब बेरा लगाने का भी जरूरी नहीं पड़ा इन लोगों को, क्योंकि यहाँ पर चोरी नहीं होता है, दुकान भी खुला रख देता है, खेत भी खुला रख देता है, कोई एक दूसरे का प्रॉपर्टी में जाके चोर वगैरह भी नहीं करता। यहाँ पर लाइफ बहुत पीसफुल है। सो हम यहाँ पर ओल्ड विलेज पे लास्ट तक आया है। ये देखिए यहाँ पर रास्ता खत्म होता है, अभी हम वापस जाएंगे, न्यू विलेज जाएगा ना अभी। तो अभी हम यहाँ से ओल्ड विलेज से वापस जा रहे हैं, आइलैंड के एंड तक आए हम, और अभी हम जा रहे हैं न्यू विलेज। चलिए देखिए आसपास जितना भी देख रहे हैं सब सब्जी 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 दिख रहा है, इतना अच्छा लग रहा है आइलैंड पे, इन लोग फार्मिंग इतने अच्छे से हो रहा है और सब्जी भी अच्छे से उग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आइलैंड पे ना सब्जी का रेट ज़्यादा है और मच्छी का रेट कम है ना भैया? जी सब्जी का रेट ज़्यादा है। अच्छा, दोनों ही ज़्यादा हो, दोनों ही महंगा हो गया, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा रेट सब्जी का है सुना है मैंने, ऐसा है क्या? सब्जी का रेट थोड़ा सा ज़्यादा है मछली का रेट से, मछली यहाँ पे तो अवेलेबल मिलता है, बट टूरिज्म की वजह से आजकल थोड़ा और रेट बढ़ गया है।
तो चलिए और आगे चलते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर एक विलेजर्स यहाँ पर दिख रहा है, तो उनको थोड़ा सवाल जवाब करने के लिए रुकी हूँ यहाँ पर। दे आर फिशिंग हियर, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, सो इंटरेस्टिंग। हेलो, हाय, आप लोग कैसा है? आप लोग खुशी है? हाँ बहुत खुशी है ना। कहाँ से आप लोग ओरिजिनली? इधर का अंदमान ही है पहले से। ओके, तो ये फिशिंग कैसा कर रहे हैं आप लोग? ये इधर में हम लोग दोनों हम लोग के साथ फिशिंग, तो पानी फेंका ना हाँ दूर से। अच्छा, ये वो देखिए मच्छी, मगरमच्छी बोलता है इसको। मगरमच्छी? हाँ। आप लोग बंगाली बोलते हैं? हाँ, बंगाली है हम लोग। बंगाली है ना? आप लोग सब एक परिवार है ना? वो आपका घर है वो वाला? नहीं नहीं, वो मेरा चाचा का, ये मेरा घर है। वो चाचा का घर है, आपका घर उधर है? ओके ओके। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर फिश उतार रहे हैं, ये देखिए। ज्यादातर यहाँ पर फिश ही खाते हैं। और आप लोग का धान खेती है क्या? हाँ, ये तो सामने गाड़ा, इधर गाड़ा, इधर गाड़ा। हेलो। वो धान है, उन लोग का धान खेती है, तो उन लोग ज्यादा फार्मिंग में ही डिपेंडेंट है, फार्मिंग करते हैं। आप लोग को यहाँ पे गवर्नमेंट देखता है? गवर्नमेंट का पता चलता हम लोग है, नहीं तो कैसा रहेगा? बहुत खुश ना, तो कोई मसला उसला कुछ नहीं होता। हाँ, तो बाहर से आता, गवर्नमेंट लेके आता। ओके, दुकान से खरीदना पड़ता, लेकिन हाँ तो गवर्नमेंट फेरी में ही आता, गवर्नमेंट प्लेन में लेके आता। हाँ, गवर्नमेंट फेरी में आता, बड़ा सीट में आता। आप लोग उस साइड जाता है मेन इंडिया की तरफ? हाँ, हम लोग कलकत्ता जाता। हाँ, कब गया था पहले? कब गया था? पहले किया, अभी थोड़ा दिन हुआ। मेरा चाचा तो 2 साल पहले भी जाके आया, वो चाचा अच्छा। मेरा उस साइड में बैठा है। अच्छा अच्छा, उस साइड पे है। साल भी जाएगा वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छे से रहना आप लोग। कुछ बोलना है आपको वीडियो में? मैं क्या बोले, बोलने का तो है नहीं कुछ। हाँ, इधर अपना जिंदगी एकदम खुशी है ना, खुशी में गुजरता, क्योंकि हम लोग जाने का तो कोई रास्ता नहीं है। हाँ, इधर में ही खुशी से रहना। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, गाय भी है ना आपका वो? हाँ, गाय भी है। ओके, बकरी नहीं है? बकरी है, लेकिन थोड़ा दूर में बांधा है चाचा का। हाँ, एक बकरा, एक बकरी। अच्छा, गाय बकरी सब है मतलब? गाय है, मेरा 4, हमारा 12 बैल है। हाँ, 4 गाय है, दूध वाला। ओके, अभी मछली कहाँ है दिखाइए ना थोड़ा, पकड़ने वाला मछली उधर लेके गया, सफाई करता। ये ये नहीं देखो, ये नहीं देखते, ये देखिए वो सफाई करता। ये ऐसा ही टेस्ट को इस साइड से। हाँ, दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर उन लोग सब मिलके पूरा फैमिली फिशिंग कर रहे हैं। ये लोग सब एक ही परिवार के हैं, सब मिलके यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं। एक बार दिखाइए ना, ये देखिए, मगरमच्छी बोलते हैं इसको। नाइस। देखिए ऐसा उठाते हैं मछली, ये सब मछली है। अरे बाबा, मोटरी लाएगा तब तो इसको मैं फेंकने को। ओके, हेलो हेलो, कैसा है आप लोग? ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, हम भी अच्छा है। आप लोग मछली निकाल रहा? हाँ, हम लोग मछली निकाल रहे हैं। ओके, तो उन लोग सब सेम फैमिली के हैं, मछली निकाल रहा है। ये उन लोग का पुखरी है, लेक है छोटू सा, और यहाँ पर सब देख सकते हो धान लगाए हुए है। देखिए कितना सुंदर है, हाउ पीसफुल देयर लाइफ इज। आप लोग पोर्ट ब्लेयर नहीं जाता? पोर्ट ब्लेयर जाता? तो ठीक है, आप लोग अच्छे से बैठिए, मैं जा रही हूँ। बाय बाय, बाय बाय करो काका, बाय बाय करो, बाय बाय। चलो दिखाएगा? हाँ दिखाओ, दिखाएगा, ठीक है चलो। तो गाइस, जैसे कि हमने अभी इन लोग से थोड़ा थोड़ा बातें किया है, तो इन लोगों का कुछ कंप्लेन नहीं है, दे आर वेरी हैप्पी हियर इन द आइलैंड। उन लोगों का लाइफ इतना पीसफुल है यहाँ पर, सब कुछ दे गेट, मतलब गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करता है उनको, और यहाँ पर आइलैंड में 0 क्राइम है, और उन लोगों को मतलब कुछ चिंता ही नहीं है, बहुत पीसफुल लाइफ जीते हैं। सो लकी दे आर। आप लोग को सब लोग अच्छे से रहो। बाय 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 बाय। चलिए अब यहाँ से न्यू विलेज जाते हैं। तो गाइस अभी हम न्यू विलेज की ओर जा रहे हैं, ओल्ड विलेज अभी हमने देख लिया, न्यू विलेज चलते हैं। ये देखिए थोड़ा घर देखने को मिल रहा है, लोगों का मंदिर भी है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर
ऊपर बकरी भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक शिव मंदिर है। तो गाइस यहाँ से न्यू विलेज का दो रास्ता है, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। हम पहले लेफ्ट पे जाएंगे। तो इस साइड पे रिजॉर्ट है, ये देखिए ये बड़ा बड़ा बंगलो जो दिख रहा है ये सब रिजॉर्ट है। तो यहाँ पे टूरिस्ट दिखने को मिल रहा है। हेलो। तो गाइस अभी हम न्यू विलेज पे आए हैं। न्यू विलेज पे यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग मिले हैं। तो मैंने पहले पूछा कंफर्टेबल है क्या कैमरा पे, तो दे आर रेडी। तो मैं पूछती हूँ उन लोगों को। ये देखिए आप लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीत। संजीत आप लोग क्या करता है? मच्छी काम करता है। मच्छी का फिशिंग करता है सी के अंदर जाके। हाँ। और ये बोट है क्या, इसको लेके? हाँ, ये बनाता है नया वाला। ओ, ये नया बना रहा है। आप लोग सब एक परिवार का है? हाँ। और आप लोग बंगाली बोलते हैं? हाँ। कब से है यहाँ पे अंडमान में? 20 साल। 20 साल से कोलकाता से आया था जी। जन्म कहाँ पे? इधर ही हुआ ना? हम लोग कहीं पे, भैया का उधर बाहर। चलिए उन लोग का घर देखते हैं। चलिए ना, दिखाइए ना। चलो फिर देखते हैं इन लोग का घर कैसा है। चलिए घर देखते हैं। सो हैप्पी, दे आर सो कैमरा फ्रेंडली। यहाँ पे कोई भी लोग, मतलब यू वोंट फाइंड एनीवन एंग्री वाला, गुस्सा वाला मूड कोई नहीं मिलेगा। पर खोल के, हेलो, क्या आपको पापा है? हाँ जी। नमस्ते, ठीक है ना आप? और आंटी है ना? हेलो। तो देखिए उनका पापा है और मम्मी है। खाना खा रहा ना? आप लोग रोज मछली खाते हैं? जी जी, रोज रोज मछली या फिर केकड़ा हो, जो केकड़ा वगैरह ना, सी फूड ज्यादा खाते हैं। हाँ जी। और सब्जी यहाँ पे महंगा है क्या? हम लोग तो खुद उगाते हैं। खुद उगाते हैं? अच्छा, हम लोग बहुत खुश रहता है ना जी। कुछ कमी नहीं है ना? नहीं, हम लोग का कुछ कुछ कमी नहीं है, कुछ भी शिकायत नहीं है। देखिए आंटी है, मम्मी जी है इस घर की। और ये कौन है? ये बाहर की आंटी है। ओके ओके, ठीक है। और इस साइड क्या है? इस साइड उन लोगों का किचन है। किचन किचन जी जी, किचन दिखाइए ना, देखते ना। ये कौन में पन्ने से? तो उनका किचन है ये देखिए। यहाँ पर केला रखा है और चूल्हा है, चूल्हा पे खाना बनता है। और ऐसा है, दिखाइए। तो बहुत सिमिलर है लाइफस्टाइल, असम के जैसा है। मिट्टी की घर है, ये मिट्टी का है, मिट्टी का बना है। और ये बेड़ा है और ये केला अपना ही खेत का होगा। हेलो छोटू, हेलो हेलो। चलिए तो अभी हम बाहर जाएंगे। तो ये देखिए, तो ये देखिए, ये फैमिली जो है ज़्यादा फिशिंग पे डिपेंडेंट है। तो उन्होंने अभी केकड़ा पकड़ा है, देखो इतना बड़ा केकड़ा मैंने पहले नहीं देखा। आई मीन गोवा में इससे थोड़ा छोटा वाला देखा है, दिस इज वेरी बिग। इससे भी बड़ा होता है, 2-2.5 किलो तक। हाँ, एक केकड़ा 2-2.5 किलो तक वो भी रहता है बोला। तो इन लोग रोज केकड़ा खाते हैं और फिश वगैरह खाते। ओ, वहाँ में एक छोटू बच्चा भी है। अरे दो है, ट्विन है। सो क्यूट, ट्विन बच्चा है, यहाँ पर सो रहा है। ओले, गॉड ब्लेस यू, कितना प्यारा है। हाँ, थैंक यू। ओले, कितना प्यारा है। लड़की है ना? लड़का है? लड़का है। ओले, सो क्यूट। कितने दिन का हो गया? एक महीना। ओले, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस यू। अरे इस घर में बेटी कम दिख रहा है मुझे। है अभी बहन है मेरा। हाँ, कहाँ गए? ये भी लड़की है। कहाँ है? ओ, ये लड़की है। मैं लड़का है सोचा। अले, अच्छा अच्छा, ठीक है। उधर सुअर है, देख सकते हैं। हाँ, सुअर है। हाँ। कहाँ है? तो इधर उनके सुअर भी हैं। सामने जाइए। कहाँ है? ओले, पिगी 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 पिगी। हेलो। तो यहाँ पर पिगी है उनके एक, ये देखिए सुअर भी पालते हैं उन लोग। ओले, कितना प्यारा है। ओमा, आइलैंड का ओमा। वाओ, आइलैंड का, सच नाइस।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत। रंजीत, हाँ रंजीत, थैंक यू आपका घर दिखाने, आपका घर का लाइफ स्टाइल दिखाने, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो में जरूर बताना। यहाँ पर बहुत अच्छे हैं लोग, यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। बाहर से मैं थोड़ा बोला मैं आ सकती हूँ अंदर, दे आर सो वेलकमिंग, सो हैप्पी, दे आर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उनको, और गवर्नमेंट से भी कुछ शिकायत नहीं है, उन लोग बहुत खुशी रहते हैं यहाँ पर, है ना जी? बहुत खुशी है ना। हाँ। इंडिया जाने, मतलब मेन वाला इंडिया जाने मन होता है उधर? उस हम गए। कब गए? 2-3 साल हो गए। हाँ ऐसा उस तरफ रहने का मन ऐसा नहीं होता ना, बस यहीं में खुश है ना? खुशी, मतलब कुछ की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ, हाँ। कोई भी चीज की कमी नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। दे आर द ब्लेस्ड एंड द हैप्पीएस्ट वन। अभी तक मैं इंडिया में जितना भी लोग देखा है ना, सबसे ज्यादा मुझे लगता है इंडिया में सबसे खुशी लोग यहाँ पर ही है, अंडमान पे ही रहते हैं मुझे ऐसा लगता है। ऐसा है ना भैया? ऐसा है ना। और चिड़िया है, हेलो, पालता है ना इसको घर पे? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो हेलो। देखो बात भी करते चिड़िया से। बात भी मानते हैं। ओले सो नाइस। चलो अभी जाते हैं फिर। तो गाइस, हाँ तो गाइस यहाँ से अभी हम जा रहे हैं न्यू विलेज भी, यहाँ लास्ट था, लास्ट घर पे हमने बात किया, और यहाँ से आगे अभी जा रहे हैं, स्कूल वगैरह भी है, तो चलिए जाके देखते हैं। लोग क्या लेके जा रहे हैं? ये लोग पानी कैरी कर रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, हम न्यू विलेज के अलग साइड में जा रहे हैं। इस साइड पे दो साइड है न्यू विलेज का। चलिए अच्छा, तो यहाँ पर भी ये ख़त्म हो गया न्यू विलेज, ये देख सकते हो यहाँ पर लास्ट वाला घर है वो वाला, और ये देखिए ख़त्म है। और चारों ओर मतलब साइड साइड में, दोनों साइड में देखिए केला का पेड़ है, मतलब बनाना ट्री है, तो यहाँ पे छोटे हट है। एंड आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी वॉल नहीं बनाया खेत में, फेंसिंग नहीं है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं पड़ता उन लोगों को ऐसा बनाने के लिए, क्योंकि कोई यहाँ पर एक दूसरे का प्रॉपर्टी इन्वेट नहीं करता है। सो लाइक वाइज, तो ये सब ओल्ड विलेज, न्यू विलेज, और ये वाला स्कूल वाला विलेज जो है काला पत्थर विलेज के अंदर ही आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर काला पत्थर विलेज के स्कूल और पानी टंकी देखने के लिए जा रहे हैं। बच्चा लोग कौन सा? ये वो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। अच्छा ये देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है। हाँ यहाँ पर बच्चे लोग आते हैं पढ़ने। पानी टंकी है ना आगे, देखिए ये है काला पत्थर का पानी टंकी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अभी यहाँ पर ख़त्म होता है, यहाँ से विलेज ख़त्म होता है, और यहाँ से वापस हम जा रहे हैं। चलिए लेट्स गो। तो ये देखिए हम काला पत्थर बीच क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करके जा रहे हैं जेपी विलेज की ओर। तो गाइस ये जो दिख रहा है ये मीठा नाली बोलता है इसको, ये जो पानी है मीठा है, तो पहले यहाँ से इरिगेशन पर्पस के लिए, मतलब पानी यहीं से पीने के लिए लेता था, है ना भैया? तो चलिए अभी हम जा रहे हैं, ऑन द वे ही पड़ता है ये। तो गाइस अभी हम हार्बर साइड आ गए हैं वापस, मैं जहाँ से आई थी, ये हार्बर जगह से एलिफेंट ब्रिज भी जाते हैं, और मतलब पोर्ट ब्लेयर साइड भी इसी साइड से जाते हैं, मेन जगह है ये। यहाँ से अभी हम जेटी विलेज की ओर जा रहे हैं। यहाँ का हेलीपैड है ये देखिए, यहाँ से और विलेज की ओर जा रहे हैं हम लोग, जेटी विलेज। हाँ दो नंबर विलेज, नंबर 2 पे फायर ब्रिगेड का भी है यहाँ पर फैसिलिटी, देख सकते हो ये देखिए। तभी हम यहाँ से जा रहे हैं। तो इस साइड के विलेज पे थोड़ा टूरिज्म साइड के ज्यादा काम करते हैं, तो इसीलिए इस साइड पे इतना खेती देखने को नहीं मिल रहा है। खेती जो है उस साइड में, जो हम गए थे फर्स्ट काला पत्थर विलेज, उस साइड में ज़्यादा लोग करते हैं खेती, ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं। और इस साइड में हार्बर सामने है, तो मतलब टूरिज्म पे ज़्यादा फोकस है इस साइड पे। तो गाइस मैं विलेज टूर करने के बाद यहाँ पर दास स्पा एंड मसाज में थोड़ा स्पा ले लिया, थोड़ा रिलैक्सिंग हो गया, सेल्फ लव। और अभी हम जा रहे हैं राधानगर बीच सनसेट देखने के लिए। तो ये देखिए हम राधानगर बीच के साइड में आए हैं, यहाँ पर हट्स हैं, यहाँ पर आपको नेम एंट्री करना पड़ता है फॉर सेफ्टी रीजंस, फिर जा सकते हैं। बारिश आने लगे हैं, सनसेट देखने के लिए आए थे, फिर सनसेट देखने नहीं मिलेंगे। बट एनीवे मैं पूरा ऑयल होके रखी हूँ, मैं स्पा करके सीधा इधर आई हूँ। तो चलिए चलते हैं राधानगर बीच देखते हैं, एशिया का 2nd-3rd नंबर पे आता है सबसे सुंदर बीच में।
वेलकम टू राधानगर बीच एंड ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच। पहली बार सुनी हूँ मैं ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच, तो चलिए लेट्स गो। तो ये देखिए गाइस, हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे हट्स हैं रेस्ट करने के लिए और बारिश भी हो रहा है। और ये देखिए बीच बहुत सुंदर है, यहाँ पे बहुत लोग स्विमिंग कर रहे हैं। 5 बजे तक स्विमिंग कर सकते हैं, उसके बाद 6-7 बजे तक सब लोग यहाँ पर चिल कर सकते हैं। वेदर थोड़ा खराब हो गया, माई बैड। नहीं तो गाइस ये देखिए, मैं इतना ऑयल लगा के आई हूँ पूरा स्पा करके, थोड़ा सेल्फ लव, थोड़ा रिलैक्स फील होना था, तो इसलिए स्पा करके यहाँ पर आई हूँ। सनसेट देखने के लिए आई थी लेकिन बारिश हो गया तो देखने नहीं मिल रहा। तो देखिए मैं ये है राधानगर बीच, देख सकते हो। ये देखिए धूप निकल के आ गया वापस से, दिस इज सो नाइस। कपल्स लोग को देखिए, देखिए ना बहुत रोमांटिक है। तो गाइस मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ ना, अकेले अकेले इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर धूप वापस से आ गए हैं, मुझे लगा था कि सनसेट देखने देखे बिना चली जाऊंगी, पर हाउएवर धूप वापस आ गए हैं तो होप वापस आ गए। एंड ये देखिए मेरे पीछे इतना यूनिक पत्ता है, मतलब इतना फ्रेश लग रहा है, इसलिए मैंने इतना फोटो किया। आई थॉट फोटो भी अच्छा नहीं आएगा बिकॉज इतना ऑयल लगा के रखा है, बट अच्छा फोटोज आ रहा है लिटरली। सो थोड़ी देर बैठते हैं, अभी 4 बज गए हैं तो 5 बजते हैं, तो 5 बजेगा तो सनसेट हो जाएगा। तो 4:30 हो गया है, चलिए रुकते हैं सनसेट के लिए। व्हाट एन एक्सपीरियंस यार, अकेला भी कितना मस्त है। ये देखिए फाइनली सनसेट अंडमान में देखने को मिल रहा है मुझे। ओ ला ला हाउ ब्यूटीफुल, ये देखिए सनसेट हो रहा है। यहाँ बैठती हूँ और सनसेट देखती हूँ, ये ब्यूटीफुल। सनसेट इतना सुंदर। अभी मैं यहाँ से जाऊंगी कुछ खा के होटल वापस चले जाऊंगी। तो यहाँ पर मेन्यू है और ये ढाबा जो है जस्ट बीच के बाहर पे है, तो मैं आई हूँ यहाँ पर फिश थाली खाने के लिए। ऑब्वियसली आई वांट टू हैव चिकन थाली, बट यहाँ पर अंडमान में आके चिकन थाली खाने का क्या मतलब, फिश थाली ही खाना चाहिए, तो इसलिए मैं खा रही हूँ फिश थाली। तो गाइस ये है मेरा लंच डिनर, ये है फिश और ये है समथिंग लाइक ग्रेवी करी, दाल, आलू फ्राई और पापड़, राइस, अचार। सो हैप्पी टू हैव दिस। तो गाइस मैं अपना रूम आ गई हूँ फाइनली। अभी रात का 6:30 हो रहा है, अंधेरा हो गया है और अभी मैं अपना ब्लॉग यहाँ ख़त्म करूँगी। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने बहुत आज तो विलेज लाइफ देखा, उसके बाद राधानगर बीच में जाके एंजॉय किया, सेल्फ लव, स्पा टाइम किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, सच में भी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आई कॉन्ट इवन एक्सप्लेन। बट एनी वे आप लोगों को वीडियो में देख के कैसा लग रहा है जरूर बताना। एंड ऑल्सो गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। कल बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि कल मैं पहली बार लाइफ में स्कूबा डाइविंग कर रही हूँ, एंड ऑल्सो सो मेनी वाटर एक्टिविटीज हियर इन आईलैंड। सो या चलिए बाय 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 गाइज, गुड नाइट।